हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल अनु गुप्ता व्लॉग्स। आज हम टेस्ट करेंगे वायरल किचन हैक्स, जो बहुत वायरल है और उनको मैंने आज टेस्ट किया है और देखते हैं कि वो हैक्स हमारे पास होते हैं या फेल होते हैं। तो पहला हैक था कि जब आप दूध को बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर स्टेपुलर रखते हैं वुडन का। तो ये दूध मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब इसमें देखते हैं, बॉईल जैसे ही आता है उसके ऊपर मैं रखूँगी वुडन स्टेपुलर और देखते हैं कि दूध बाहर गिरता है या नहीं गिरता। तो ये देखिए, स्टेपुलर रख दिया मैंने और दूध है जो बाहर नहीं गिर रहा है, सिर्फ उसी को वुडन को, मतलब जो स्टेपुला है उसे टच कर रहा है खाली। तो ये हैक मेरी तरफ से तो पास है। आप क्या बोलते हैं, आप कमेंट में बताइएगा मेरे को, कमेंट सेक्शन में। तो ये हैक 100% वर्क करता है। देखिए बिल्कुल, मैंने क्लोजअप से भी जूम से भी आपको दिखाया। चलते हैं हैक नंबर 2 की तरफ। तो हैक नंबर 2 हमारे बहुत यूज़फुल है किचन का। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक मिश्री का पैकेट है मेरे पास और ये ओपन हुआ पड़ा है। इसको अब हम करेंगे सील। और सील किस तरीके से करेंगे, इसको हम करेंगे नाइफ़ से सील। तो देखते हैं ये पास होता है या फेल। आपको नाइफ़ को गर्म कर लेना है गैस पे, और अच्छे से इसे गर्म करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे ही गर्म करिए, फिर थोड़ी देर में सिम पे गर्म कर लीजिए। गरम करने के बाद जैसे ही ये नाइफ गरम हो जाएगा, आपको इसको उस पैकेट के ऊपर रख के इसे सील करना है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, आपको ऐसे इसके ऊपर, पैकेट के ऊपर रख के इसे सील करना है और ये सील हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये पैकेट कट भी गया लेकिन ये सील हो गया। देखिए बिल्कुल परफेक्ट सील हो गया है। तो इस हैक के लिए भी मैं दूंगी 10/10। चलते हैं अपने अगले हैक की तरफ। अगला हैक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम मदर्स के लिए, समर के लिए तो बहुत बड़ी आफत होती है कई बार, क्योंकि जब हम बादाम भिगोना भूल जाते हैं अपने, तो बड़ी टेंशन होती है। आप ऐसे बादाम लीजिए और लीजिए गर्म पानी, बहुत गर्म पानी लीजिए और बादाम इसके अंदर डाल दीजिए 10 या 15 मिनट के लिए, और आपके जो बादाम है वो आराम से पील हो जाएंगे, छिल जाएंगे। पूरी रात बादाम को भिगोने की टेंशन नहीं होगी आपको। और अगर आपको ये रहता है कि बादाम भिगोना टेंशन है या भूल जाते हैं, तो आप इस हैक को भी ट्राई कर सकते हैं। और देखिए बादाम का छिलका बहुत आराम से निकल रहा है। जैसे हम पूरी रात बादाम को भिगोते हैं, उसी तरीके से बादाम का जो छिलका है वो आराम से रिमूव हो रहा है। तो इस हैक को भी मेरे 10/10, और हैक बहुत अच्छा है और फ़ायदेमंद है। बादाम खाया करिए, समर हो चाहे विंटर हो। चलिए अगले हैक की तरफ चलते हैं, हैक नंबर 4 की तरफ। किचन में काम करते करते हमारे जो नाइफ्स होते हैं उनकी शार्पनेस कम हो जाती है। तो इसकी शार्पनर बढ़ाने के लिए आप देख रहे होंगे कि मैंने ऐसे एक कॉफ़ी मग को उल्टा करके उसके ऊपर नाइफ को मैं ऐसे आगे पीछे से रब कर रही हूँ, ताकि जो ब्लेड्स के जो टीथ है, मतलब शार्पनेस है, वो बढ़ जाए। ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इस मेरे नाइफ की शार्पनेस ज़्यादा नहीं है और नींबू काटने में भी बड़ी दिक्कत होती है इसको। तो आज मैं आपके साथ इसकी शार्पनेस बढ़ाने के साथ इसमें नींबू काट के भी देखूंगी कि ये कितना वर्क करता है। तो चलिए, शार्पनेस हो गई है। सिर्फ 5 मिनट या 7 मिनट के लिए आप इसे करिए, और ये देखिए नींबू कट रहा है बट ज़्यादा तेज़ी से नहीं कटा है। तो इसको मैं 10/7 दूंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। तो नेक्स्ट हैक भी बहुत है, अच्छा है। ऐसे एक आपको एल्युमिनियम फाइल पेपर लेना है। यह हमारी किचन में, घर में, सब में, सब जगह होता है। और मेरे जो ये सीज़र है, अगर मैं पेपर कट कर लूँ तो इसकी शार्पनेस हो जाती है कम, तो वो धीरे धीरे कट करता है। तो उसके लिए आपको ऐसे एल्युमिनियम फाइल को कट कर लेना है बहुत अच्छे से, और जितना आप इसे कट करेंगे उतनी इसकी शार्पनेस बढ़ेगी सीज़र की। आप इससे ग्रीन चिली वगैरह भी आराम से काट सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं सीज़र का। तो वो ऐसे आपको कट कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, साथ साथ टुकड़े अगर हो रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बाद में आप इसको बॉल, क्रश बॉल बना के इसे आप फेंक सकते हैं। और अगर आपके पास जैसे रोटी में रखी हुई फाइल पेपर है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे इसका पेपर कट करेंगे। देखिए पेपर इजी कट हो रहा है, शार्पनेस दिख रही है, आराम से कट हो रहा है, कोई अटक नहीं रहा। तो इसको अभी 10/10। जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में हैक्स दिखाए हैं वो एक तरीके से इंस्टेंट हैक है, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती या कुछ अटक जाता है तो आप इन हैक्स का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।